सिनेमा के जो निर्माण करे जा रहा बना वो हमने के सिनेमा के सबसे मजबूत और सबसे अहम पिलर बारन हमने के भोजपुरी इंडस्ट्री के जिनका नाम है श्री दुर्गा प्रसाद जी। और जब भी वो सिनेमा भवन तो कई सौ से भी ऊपर सिनेमा के वो फाइनेंस कैले बारन। और आज उनकर एगो सिनेमा जब निर्माण कर रहे जौना के नाम रहे दुश्मनी, बहुत ही बड़ हिट और बहुत ही आज तक ले रिकॉर्ड ना टूटल जौन MG अमाउंट में जौन सेल भइल रहे। और ओकरा बाद अभी सिनेमा के निर्माण होता जौना के नाम है रंगीला। और हम अपने आप के बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यवान, बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली, बहुत ही ज़्यादा खुश समझता नहीं कि हमने के ई मौका मिलल, हमरा के ई मौका मिलल उनका साथ जुड़े के और इस सिनेमा में जुड़े के। और हम ई सिनेमा से रिलेटेड जितना भी लोग, जितना भी टीम टेक्नीशियन, जितना भी वर्कर, जितना भी आर्टिस्ट, जितना भी कलाकार, सब लोग के हमारे तह दिल से धन्यवाद बा। और हम सब लोग के हाथ जोड़ के ये विनती करता नहीं कि जौन प्यार जौन आशीर्वाद अपना ई चिंटू पर रखले बनी, वही आशीर्वाद वही प्यार हमेशा हमार हर सिनेमा पर बना रखें। चिंटू किस तरह का रहेगा? अब फिल्म में जैसा कि नाम से ही दर्शा रहा है रंगीला, बहुत ही रंगीला और बहुत ही खुश मिजाज लड़का है, चुलबुल सा है, नटखट सा है, जो हमेशा जो लोग मुझे देखना चाहते हैं। इस फिल्म की सबसे अहम और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक ऐसा कॉन्सेप्ट किसी भोजपुरी इंडस्ट्री, किसी भोजपुरी सिनेमा में नहीं आया। फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं और काफ़ी बड़े लेवल पर इसकी तैयारी जोर शोर से शुरू होने वाली है। काफ़ी उम्दा तैयारियाँ हो रही है। इस फिल्म में काफ़ी खर्चीले सेट्स लगने वाले हैं, काफ़ी 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 कुछ नयापन होने वाला है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी सिनेमा के लिए। और चूंकि इस फिल्म के निर्देशन का कमान थामा है श्री रवि सिन्हा जी ने, जिन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी हैं, हथकड़ी और भी कई सारी बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि उनके निर्देशन के तले मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। और साथ ही साथ इस फिल्म के जो म्यूजिक दे रहे हैं, जो हमेशा से एक बहुत ही प्रिय रहे हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में, जिनका बहुत म्यूजिक में और उनका एक ब्रांड नेम है, जब भी उनका नाम आता है लोग पब्लिक हुजूम के साथ, पूरे भीड़ के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ सिनेमा को देखने चले जाते हैं। और उन्होंने इस बार वो संगीत देने का निर्णय उन्होंने लिया है, उनका नाम है श्री राजकुमार आर पांडे जी। उनके म्यूजिक्स की हमेशा चर्चाएं रही हैं, हमेशा तारीफ रहे हैं, और इसलिए वो इस फिल्म में जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, जितने भी टीम या जितने भी कलाकार जुड़ रहे हैं, उन सब की अपनी बहुत ही बड़ी विशेषताएं हैं और सब अपने फील्ड के सबसे टॉपेस्ट लोग हैं, वही लोग इस फिल्म में हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि जो प्यार और जो आशीर्वाद मेरी बाकी फिल्मों को मिला है, वही प्यार वही आशीर्वाद इस फिल्म पे, और बल्कि मैं चाहूँगा कि उससे कई ज़्यादा आशीर्वाद मिले। और रंगीला एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा सिनेमा है जो, जैसा कि मैंने बताया कि पहली बार भोजपुरी में आ रहा है, उसके साथ ही साथ एक नए तरीके के सिनेमा का एक शुरुआत होने जा रहा है। और मैं चाहूँगा कि इस सिनेमा को अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे दोस्त यार के साथ, पूरे गांव जवाब, पूरे मोहल्ले के साथ आकर अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जरूर देखें। प्रदीप जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल। जी, हमेशा आपके ऊपर आरोप लगता रहा है कि होम प्रोडक्शन ही आप फिल्में करते हैं, बाहर की फिल्में कम करते हैं, तो क्या इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, और दर्शकों को बताएं इसके बारे में। एक्चुअली होम प्रोडक्शन करने का रीजन यही था कि उस समय जब भी जो प्रोजेक्ट प्लान होते थे, मेरे हिसाब से प्लान होते थे, मुझे नज़र रखते हुए मुझे प्लान करते थे। और अब जब चूंकि मैं उस समय मैं इस लेवल तक उतने मैच्योरिटी के साथ नहीं पहुंचा था कि मैं बाहर की सिनेमा कर पाऊँ, जब मुझे और मैं जब मेरे पिता को जब ऐसा लगा कि अब बाहर का सिनेमा करना चाहिए चिंटू को, और अब और काफ़ी बेहतरीन फिल्मों के ऑफर्स थे, और काफ़ी जो हमारे इंडस्ट्री के जो मेरी जो मेरा जो भोजपुरिया परिवार, जो मेरा जो इंडस्ट्री है, मेरा परिवार है, उसमें से कई ऐसे मेरे परिवार के सदस्य हैं जो चाह रहे थे कि जो मुझको लेकर सिनेमा बनाएं, सिनेमा प्लान करें। और ये मेरी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी जब उन्होंने मुझे उस चीज़ के लिए ऑफर किया, मुझे उस चीज़ के लिए पसंद किया, तो मैंने हम अपने आप को मना नहीं कर पाया। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी लोगों को, उन सभी प्रोड्यूसर्स को, उन तमाम लोगों को जिन्होंने मेरे बारे में सोचा और मुझे अपने सिनेमा में जोड़ने का, अपने खुद से जोड़ने का मुझे जो निर्णय लिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रदीप, आखिरी सवाल, चलते चलते क्या और प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है वो अब ये मान के चले कि हाँ चिंटू अब हमारी फिल्म करेंगे? बिल्कुल। और मैं अब जैसा कि मैंने बाहर की फिल्में सारी शुरुआत कर दी हैं, काफ़ी उम्दा और काफ़ी बेहतरीन फिल्में लाइन में एक एक फिल्में बहुत ही आ रही हैं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं बचपन